हेलो एवरीवन वेलकम टू इंडी नर्सिंग कोचिंग आप सभी का इंडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है तो आज हम देखने वाले हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो कि आपको आने वाली कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो स्टार्ट कर देते हैं डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन डेवलप इन पेशेंट विथ तो डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन डेवलप विद पेशेंट हाइपोकैलेमिया का पेशेंट अगर है तो डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो आपको नॉर्मल डिगोक्सिन की सीरम लेवल कितनी होती है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है नेक्स्ट लॉन्ग रोलिंग इज डन फॉर ए ओके तो लॉन्ग रोलिंग किसके लिए डन करते हैं तो लेमिनेक्टॉमी और स्पाइनल सर्जरी के पेशेंट में हम लॉन्ग रोलिंग करते हैं नेक्स्ट द पॉजिटिव डायरेक्ट कुंभ टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ एन तो पॉजिटिव डायरेक्ट कुंभ टेस्ट ये एबीओ कंपेटेबिलिटी के इंडिकेशन है नेक्स्ट द हॉलमार्क ऑफ शेकन बेबी सिंड्रोम इज तो शेकन बेबी सिंड्रोम का हॉलमार्क है रेटाइनल हेमोरेज इन द चाइल्ड नेक्स्ट ट्रेंडनबर्ग पोजीशन मे बी यूज फॉर तो ट्रेंडनबर्ग पोजीशन परकशन एंड पोस्टुरल ड्रेनेज के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट इन इन्फंट बर्थ वेट डबल सिन तो बर्थ वेट कट डबल होता है तो सिक्स फोर टू सेवन मंथ में या फिर हम छह महीने नॉर्मल कह सकते हैं और ट्रिपल कब होता है एक साल में ओके okay. तो हाइट कब डबल होती है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ए चाइल्ड सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजिशन विदाउट हेल्प तो स्टैंडिंग पोजिशन से नीचे बैठ जाता है विदाउट हेल्प इट इज ऑकर्स एट ट्वेल्व मंथ ऑफ एज ओके नेक्स्ट डिजिटली आइसोनियाजाइड सीमेंटिडिन

क्स्ट वन ग्राम ऑफ हिमोग्लोबिन कंटेन्ट अबाउ थ्री पॉइंट थर्टी फोर माइक्रोग्राम ऑफ आयरन इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लेंगे कई बार रिपीटेड हुआ हुआ क्वेश्चन है और वन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है नेक्स्ट आयरन फोलिक एसिड थ्री टाइम्स अ डे फॉर ओके आयरन और फोलिक एसिड थ्री टाइम्स अ डे फॉर द हंड्रेड डेज फॉर अ प्रेगनेंट और लेक्टिटिंग मदर टू प्रीवेंट और टू टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिंक इज इसशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन एंड इट्स डेफिशियोथ फेल एंड डिलेड वुड इंडिक नेक्स्ट अटामिन जनरली यूज थेरापूटिकली इन नोजिया एंड वोमिटिंग ऑफ अ प्रेगनेंसी इज तो कौन सा विटामिन यूज करते हैं विटामिन बी फाइव पायरिडॉक्सिन जिसको कहते हैं नेक्स्ट कोरासोपाइकोसिस एंड वर्निकेस एनसेफेलोपैथी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दिस इज ऑकर्स ड्यू टू ऑफ विटामिन बी वन और मोस्टली जो है अल्कोहलिक पेशेंट में विटामिन बी वन एंड बी सिक्स की डेफिशियंसी देखने को मिलती है और इन दोनों की वजह से साइकोसिस और वर्निकेज एंसेफेलोपैथी ये डिसीज कंडीशन बनती है नेक्स्ट इज ए प्रीकर्सर ऑफ ऑल स्टीरोड हार्मोन बाइल सॉल्ट एंड विटामिन डी तो हमारा जो कोलेस्टेरॉल है ये प्री है और स्टेरॉयड हार्मोन इसका मतलब क्या है कि जो स्टेरॉयड हार्मोन बनने के लिए हमारा कोलेस्टेरॉल नेसेसरी है बाइल सॉल्ट को बनने के लिए कोलेस्टेरॉल नेसेसरी है और विटामिन डी का एब्सॉर्बन करने के लिए हमारे कोलेस्टेरॉल नेसेसरी है एग डज नॉट है एग इज डज नॉट हैविंग कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कौन सा न्यूट्रिशन उसमें नहीं होता है नेक्स्ट फॉस्पेट दैट इनहिबिट द एब्सॉर्पन ऑफ तो फॉस्पेट दैट इनहिबिट एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन नेक्स्ट बोन डिफोर्मिटी पीगॉन्स्ट एंड सल्कस आर रिकेट्स। ओ, ओके? तो रिकेट्स में तो रिकेट्स में और भी दो इंपॉर्टेंट साइंस है जिसका नाम है क्रेनियो टेब्स मतलब क्या सॉफ्ट स्कलबोन और हमारे पिंक पॉन्ग साउंड आता है जब हम इस स्कल के ऊपर टैप करेंगे तो पिंक पॉंग साउंड हमें सुनाई देता है नेक्स्ट यूफोरिया एंड मूड स्विंग्स में रिजल्ट फ्रॉम तो यूफोरिया और मूड स्विंग्स हमारी स्टेरॉइड थेरेपी लेने की वजह से होता है नेक्स्ट ए क्लासिकल साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ग्रॉस प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन का पाया जाना दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन यूरिया तो इट्स ए क्लासिकल साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ये किसकी वजह से होता है सर जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इम्प्रॉपर होता है या ग्लोमेरुलस को डैमेज होता है तो प्रोटीन यूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है मोगलोबिन इन द यूरिन सजेस्ट तो हिमोग्लोबिन इज इकोलेलिया इन ए टू ईर ओल्ड चाइल्ड में बी साइन ऑफ तो इकोलेलिया इट्स ए साइन ऑफ ऑटिज्म ऑटिज्म इट्स एन एंटी सोशियल या फिर सोशियली विड्रॉल चाइल्ड ओके ये मोस्टली चिल्ड्रन में देखने को मिलती है ऑटिस्टिक थिंकिंग या ऑटिज्म की डिसऑर्डर ओके okay, तो जिसके अंदर पे बच्चा जो है इको ले लिया मतलब रिपीट करेगा वर्ड को जैसे हमने उसको पूछा व्हाट इज योर नेम बच्चा सेम हमें पूछेगा व्हाट इज योर नेम तो ये इको ले लिया करता है नेक्स्ट द एमएमआर वैक्सीन इज कंपोज्ड ऑफ तो एमएमआर में क्या होता है सर इट्स अ लाइव अटिनुएटेड वायरस होती है एंड इट इज एडमिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी ए लाइफ थ्रीटनिंग फॉर एन इम्यूनोसप्रेस चाइल्ड तो इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कि कोई भी इम्यूनोस पेशेंट है तो ऐसे पेशेंट में और प्रेगनेंसी के अंदर हमें कोई लाइव वैक्सीन को नहीं देना है बिकॉज इट कैन बी ए लाइफ थ्रीटनिंग कंडीशन नेक्स्ट वेरी सेला देट इज ऑल्सो कॉल्ड चिकन पॉक्स इट्स बिगिन विथ तो चिकन पॉक्स आर बिगिन विथ ए स्लाइट फीवर मलेज एंड एनोरेक्जिया एंड रैश यह हमारा बिगिन साइंस है चिकन पॉक्स का नेक्स्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रूबियोला जिसको हम मिजल्स कहते हैं तो रूबियोला के साइन एंड सिम्टम्स है हाई ग्रेड फीवर फोटोफोबिया मतलब लाइट की सेंसिटिविटी कॉप्लिक स्पॉट्स ओके व्हाइट पैचेस ऑन एंड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी एंड द रैश दिज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ या रूबियोलाट तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन किसको स्टिमुलेट करता है okay, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लेना इमेच्योर आरबीसी होती है क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम है तो हमारी बॉडी क्या करेगी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगी और ओनली प्रोडक्शन बढ़ने से जो मैच्योर RBC है वो कम हो जाती है इमेच्योर आरबीसी बढ़ जाती है okay, लॉस हो रहा है या loss हो रहा है और हमारी जो हाइड्रोथेरेपी है वो इंपॉर्टेंट हो रही है या इफेक्टिव हो रही है या नहीं ओके नेक्स्ट थैंक यू तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर आप जहां से मुझे डायरेक्टली संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो दिस इज माई फेसबुक पेज जहां से आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हो ज माई टेलीग्राम चैनल लिंक जहां से आप डेली टेलीग्राम क्वीज के लिए मुझे यहां से फॉलो कर सकते हो एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम पेज जहां से आप मुझे इंस्टा एजुकेशनल रील्स के लिए फॉलो कर सकते हो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब एंड डी नर्सिंग कोचिंग